ये गाड़ी है पूरी पीछे से दब चुकी है। पीछे मैं कहीं से अच्छा हूँ यार, क्या हो गया। स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए व्लॉग में। सो ये व्लॉग रहने वाला है मेरा कश्मीर से जम्मू के सफर, यानी मेरे कर्मभूमि से मेरे जन्मभूमि के सफर तक का। सो अभी मैं पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ। सो क्या क्या पैक कर रहा हूँ आप भी देख लीजिए। सो यही है थोड़ा बहुत सामान जो मैं अपने साथ जम्मू ले जा रहा हूँ। सो सबसे पहले ये वाटर बोतल, देन ओट्स और ये थोड़े बहुत कपड़े, देन ये वे प्रोटीन। वे प्रोटीन मैंने अपनी डाइट में ऐड कर दिया है क्योंकि वैसे भी इंडियंस की डाइट में प्रोटीन कम रहता है, तो आपको भी प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कर देना चाहिए। और एक और रीज़न है इस प्रोटीन को ऐड करने का, अभी रिसेंटली मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है और उस एक्सरसाइज को मैं रेगुलरली अपने नए चैनल यानी माई फिटनेस जर्नी पे अपलोड कर रहा हूँ। सो जिसको उस चैनल के बारे में नहीं पता है, इस चैनल के चैनल सेक्शन में जाके आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो अभी ये सारा सामान मैं पैक कर दूंगा, पैक करने के बाद सुबह सीधे मिलते हैं आपको जम्मू निकलते वक्त। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है कश्मीर से जम्मू की। अभी मैं अपने डोर को लॉक करके निकल रहा हूँ और अब हम सीधा जाएंगे रेलवे स्टेशन, वहाँ के लिए हम गाड़ी पकड़ेंगे। सो गाइज, जो बाइक थी वो मैंने अपने दोस्त के घर पे लगा दी है। तो अपने दोस्त के घर से मुझे स्टेशन तक जाने के लिए मात्र 15 मिनट बचे हैं क्योंकि 8 बजे ट्रेन है। तो अभी 8:45 हो चुका है, तो लग नहीं रहा है कि मैं 8 बजे पहुंचूंगा। तो उसका सलूशन एक ही है कि मुझे लगभग 1.5 घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो 1.5 घंटा यानी 9:30 बजे दूसरी ट्रेन है, तो समय बर्बाद हो गया। इसलिए बोलते हैं थोड़ा जल्दी उठो, जल्दी तो उठा था, थोड़ा जल्दी काम किया करो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेंगे स्टेशन के लिए। गाड़ी का वेट करते हुए देखते हैं कब तक गाड़ी आती है, तो फिर उसी हिसाब से निकलेंगे स्टेशन की ओर। आई थिंक वो गाड़ी जो आ रही है वो स्टेशन के लिए जाती है, तो देखते हैं। स्टेशन स्टेशन जाना रहता ना, तो स्टेशन नहीं जा रहा है, अगली गाड़ी का वेट करते हैं। तो गाड़ी तो आने रही थी, मेटाडोर आ रही है, शायद यही छोड़ दे, तो इसी में चढ़ने की कोशिश करते हैं। सो फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से अंदर तक थोड़ा पूरा वॉक करके जाना है, आपको भी दिखा देता हूँ। ये रास्ता है पूरा स्टेशन तक, लगभग आधा किलोमीटर तक वॉक करना है। पहली ट्रेन तो मिस हो चुकी है लेकिन अब दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। फाइनली स्टेशन पहुँच गए हैं और एक और प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपनी पानी की बोतल भूल गया हूँ, तो मुझे अभी नई पानी की बोतल खरीदनी पड़ी। तो अभी स्टेशन से जाएंगे सीधा ट्रेन में, तो फिर आगे का सफ़र आपको भी दिखाएंगे। टिकट कटवा ली है तो अब स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, जैसे कि आपको पटरियाँ दिख रही होगी, स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ, बाहर नहीं। अब ट्रेन का वेट करेंगे और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली ट्रेन आ गई है, तो इसी ट्रेन में भी हम जाएंगे सीधे बारामूला से बानिहाल। फाइनली सफ़र शुरू हो गया है। तो अभी मैं आपको सीधे अपनी लास्ट स्टेशन पर मिलूंगा, क्योंकि अभी ये रास्ते में 10 स्टेशन पर रुकेगी, तो मैं आपको डायरेक्ट लास्ट स्टेशन पर मिलूंगा। तब तक आप ये नज़ारे देखोगे। सो 3 घंटे की ट्रेन की जर्नी के बाद फाइनली बानिहाल तक का आधा सफ़र पूरा हो चुका है। बाकी का आधा सफ़र हम टेम्पो और टवेरा में से पूरा करेंगे। तो बाकी एक चीज़ और बोलनी थी मुझे कि ब्लॉग करना इजी नहीं है, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना है, ब्लॉग भी अच्छा बनना चाहिए, और साथ में जब लोग देखते हैं आप ब्लॉग बना रहे हो तो बहुत अजीब सा लगता है, मेरे जैसे न्यूकमर को ज़्यादा। मुझे आज भी याद है जब मैं सुध महादेव गया था तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे ब्लॉग बनाते हुए देखा था, तो वो पूछ रहे थे कि आप ब्लॉग बनाते हो, तो मुझे अपना चैनल बताते हुए काफ़ी अजीब लग रहा था उनको, क्योंकि उस समय मेरे 20-22 सब्सक्राइबर्स थे सिर्फ। तो अभी भी ऐसा ही समझ लो, कितने ही है, थोड़े बहुत ही, सिर्फ 700 है यहाँ, 750 सब्सक्राइबर है। अभी भी कोई पूछ लेगा तो क्या बोलूँगा मैं उसको। सो अभी हम चलते हैं टेम्पो और टवेरा की ओर। सो बानिहाल स्टेशन से निकलने के बाद सामने ही हमारे टेम्पोज एंड टवेराज वेट कर रहे हैं, तो इन्हीं टेम्पोज एंड टवेराज में हम जाने वाले हैं। जैसे अभी मैं थोड़ा नीचे की उतरूँगा तो अप्रोच करेंगे मुझे, तो मैं भी थोड़ा सा मोल भाव लगाऊँगा, मतलब जो भी करते हैं। जम्मू एक ही काम एक ही इनोवा में फ्रेंड सीट है। इधर आ जाए, 800 नहीं लूंगा, इधर आ 800। हाँ बोलो बोलो, आ जाए इधर।
800 नहीं दे रहे हैं यहाँ टेम्पो मेरे को 200 रुपए लेगा 250-300 रुपए लेगा आपको पता है टेम्पो वाला अगर 400 भी लेगा ना मैं फ्री में ले जाऊंगा चलो कोई नहीं 400 भी लेगा फ्री में ले जाऊंगा इसमें अच्छा अच्छा चलो मैं पता करता हूँ पहले पूछ लेता हूँ इधर तो यार एक ही काम है लेकिन ज्यादा 800 कहाँ थे पागल 800 नहीं नहीं एसी वाली गाड़ी है 500 रुपए लेगा चलो भैया ढूंढ बस जा मैं से अच्छा हूँ यार क्या हो गया सो देख रहे हो आप कैसा चलता है यहाँ पे सिस्टम 500-600-700 मैं 200-250 रुपए दे के भी आया हूँ तो अभी दूसरी गाड़ी के लिए पूछते हैं सो फाइनली टेम्पो का रेट देखने के बाद मुझे यही सिस्टम ठीक लगा अभी इसी गाड़ी में जा रहे हैं हम तो यहाँ से सीधे अब हम जम्मू में रुकेंगे और रास्ते में अगर कोई स्टॉप मिला तो वहाँ पे भी रुक के आपको दिखाएंगे सो रास्ते में जाते जाते बहुत ज़्यादा जाम लग गया है तो जाम का रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ आप भी देख लीजिए सो ये गाड़ी है पूरी पीछे से दब चुकी है पिचक चुकी है स्विफ्ट गाड़ी आई थिंक ये और ये पैसेंजर गाड़ी है मतलब पर्सनल नहीं है तो पता नहीं सवारी का क्या हाल होगा वैसे तो सेफ ही लग रहा है सवारी सेफ ही रही होगी लेकिन गाड़ी पीछे से पूरी ख़त्म हो चुकी है आई थिंक आर्मी की गाड़ी के साथ ये बजी है तो यहाँ पे एक आर्मी पर्सनल है जो इंजर्ड हो चुके हैं सो भी खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे तो गाड़ी में थोड़ा सा मसला हो गया था आधे लोगों को इस जगह पे खाना नहीं खाना था आधे लोगों को खाना था तो ड्राइवर ने बोला जिसको यहाँ खाना है यहाँ भी रुकेंगे और आगे भी रुकेंगे दैट मीन्स दो दो बारी अगर रुकना पड़ा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तो देखते हैं अगर भाई हमारे कॉम्प्रोमाइज़ करके यहीं पर खा लेंगे जिनको आगे खाना था तो ठीक हो जाएगा तो अभी राजमा चावल ऑर्डर करवाते हैं तो फिर आगे देखते हैं सो अभी हमने खाना मंगाया है यहाँ पर ये राजमा चावल आ गए हैं तो अभी हम यहाँ पे राजमा चावल खा रहे हैं खाना खाने के बाद सीधे हम डायरेक्ट निकलेंगे जम्मू की ओर चनैनी नाचरी टनल के पास पहुँच गए हम अभी यहाँ पे टोल कटवाएंगे सो टोल कटाने के बाद सीधे टनल के अंदर एंट्री प्रेम के पास रुक गए थे थोड़ा सा प्रेम की हट्टी है यहाँ पे मिठाई उठाई यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है दिस इज़ प्रेम की हट्टी जिसको भी मिठाई उठाई लेनी है यहाँ से ले सकते हो तो काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है कटरा पहुँच गए हैं अभी कटरा का मौसम यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और कटरा से अब थोड़ा ही दूर मेरा घर है तो लगभग जर्नी एंड होने ही वाली है सो फाइनली इस गाड़ी से उतरने के बाद अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच गया हूँ सो गाड़ी से उतरने के बाद मैं अपने घर तक वॉक करते हुए जा रहा हूँ तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि गाड़ी में मुझे बहुत ही अच्छे कंपेनियंस मिल गए थे हम सफ़र तो एज ग्रुप हमारा लगभग ऑलमोस्ट सेम ही था सबका तो उन सब ने मुझे मेरे चैनल के बारे में पूछा और इंस्टेंट सब्सक्राइब किया चैनल को तो उन सबको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ और आप सबका भी व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही प्यार बनाए रखें तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय